ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ହିରୋଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋଦି। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ସଫଳତାରେ ସ୍ତତ ମୁଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମହିଳା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତାକୁ କହିଲେ ନୂଆ ଭାରତର ଦମ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ଚୀନରେ ଆୟୋଜିତ 19ତମ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉ କି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ଏଥର ପୂର୍ବର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍। ଏ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂରୁ ପୋଡିୟମ ଯାଏ ଯାତ୍ରା ଏଥର ଆପଣ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସଫଳତାର ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆପ୍ ସଭି ଇତିହାସ ରଚ କରକେ ଆଏ ହେ। इस एशियन गेम्स में जो आंकड़े हैं वो भारत की सफलता के साक्षी बन रहे हैं। एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात के लिए संतोष है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ଏଥର ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ପଦକରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। ସୁଟିଂ, ସ୍କ୍ୱାସ୍, ତୀରନ୍ଦାଜି, ବକ୍ସିଂ ଆଦି ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ପଦକ ମିଳିଛି। ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି। ଅନେକ ଖେଳରେ ପଦକ ଖାତା ନୁହେଁ, ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ଅଶ୍ୱଚାଳନା, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଭଳି ବହୁ ବିଭାଗରେ ବହୁ ଦଶକ ପରେ ଭାରତକୁ ପଦକ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଖେଳରେ आपने सिर्फ खाता नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोला है। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। और आप देखिए महिला शॉटपुट में 72 साल बाद 4x400 मीटर में 61 साल के बाद आफ्टर 61 ईयर्स, घुड़सवारी में 41 साल बाद और पुरुष बैडमिंटन में 40 साल के बाद हमें मेडल मिला है। कितने वर्षों की प्रतीक्षा आपके पुरुषार्थ ने समाप्त की है। एशियन गेम्स रे देश पाई अधारू अधिक मेडल जीति महिला क्रीड़ाबिद। ଏମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କେତେ ଆଗରେ ଭାରତର ନାରୀ ଶକ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ନୂଆ ଭାରତର ସ୍ପିରିଟ୍, ନୂଆ ଭାରତର ଦମ। ମୁଝେ ଇସ୍ ବାତ କା ଭି ଗର୍ବ ହୈ କି ହମାରି ନାରୀ ଶକ୍ତି ନେ ଇନ ଖେଲୋ ମେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିଆ ହୈ। ଜିସ୍ ଜଜ୍ବେ କେ ସାଥ ହମାରି ମହିଳା ଖିଲାଡ଼ିଓ ନେ ଅପନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କିଆ वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं। भारत की बेटियां नंबर 1 से कम में मानने को तैयार नहीं है। और यही नए भारत की स्पिरिट है, यही नए भारत का दम है। खेलो इंडिया अभियान फल देश में सृष्टि होइछि नुआ क्रीड़ा संस्कृति। यही अभियान रु आसीथिबा 40 रु अधिक क्रीड़ाबीत एथरो एशियन गेम्स रे पदक जीति। आगक भी खिलाड़ी को सरकार का पूर्ण सहयोग रो प्रतिश्रुति देछन्ति प्रधानमंत्री। साथियों इस एशियन गेम्स में करीब 125 एथलीट्स ऐसे हैं जो खेलो इंडिया अभियान की खोज है। इनमें से 40 से ज्यादा ने मेडल भी जीता है। खेलो इंडिया अभियान से निकले इतने सारे खिलाड़ियों का पोडियम तक पहुंचना ये दिखाता है कि खेलो इंडिया अभियान सही दिशा में है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी कोशिशों के लिए
पैसों की कमी कभी बाधा नहीं बनेगी। सरकार आपके लिए, खेल जगत के लिए अगले 5 साल में 3,000 करोड़ रुपए और खर्च करने जा रहे हैं। क्रीड़ाविद माने देशर युवपीढ़ी पर पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, प्रेरणार उत्स। एथिपाई एशियन गेम्स रो हीरो मानंकु प्रधानमंत्री देइछंती गुरु दायित्व, निशामुक्त भारत गठन रे जोग देबाकु देइछंती आह्वान। आप नशीली दवाओं के हानिकारक जो प्रभाव है उसके बारे में भारत की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी है। जब भी मौका मिले, कोई भी आपसे बाइट मांगता हो, इंटरव्यू मांगता हो, 2 वाक्य ये जरूर बताइए। मैं देश के मेरे युवा साथियों को ये कहना चाहती हूँ या ये कहना चाहता हूँ, ये जरूर कहिए। आपको ड्रग मुक्त भारत की लड़ाई को ताकत देने के लिए आगे आना चाहिए। यह स्वतंत्र कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केन्द्र क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।